गाइस, आज स्वीट टूथ देखे मैंने, काफी अच्छी फैंटेसी सीरीज है ये। जब आप ये सीरीज देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस टाइप की बहुत सारी सीरीज एंड मूवीज आपने ऑलरेडी देखी है, लेकिन आप जैसे ही ये सीरीज देखना स्टार्ट करते हो तब आपको पता चलेगा कि इसका लेवल किस हद तक उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुशानेश्वरी, मेरे चैनल मुंबई के क्षणों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ स्वीट टूथ सीरीज के बारे में। गाइस, सीरीज तो रिलीज हुई है 4 जून को, लेकिन मैं सीरीज को देखना इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे लगा कि सीरीज में ऐसा कुछ खास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये सीरीज देखना स्टार्ट किया गाइस, आई फील सो हैप्पी एंड ऑसम, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने ये सीरीज नहीं देखी हो तो मैंने तो कुछ अच्छा मिस किया होता। लेकिन खैर, मैंने अब खत्म कर ली है देखी। इस सीरीज काफी थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग है गाइस, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। इस सीरीज के लोकेशन की बात करें तो काफी अच्छे और सुंदर देखने को मिलते हैं। इसमें जो भी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो सारे नेचुरल लगेंगे, आपको कहीं भी उसमें कुछ बनावटी नहीं लगेगा। और ये जो स्टोरी है इस सीरीज की, एक छोटे बच्चे के आसपास बुनी गई है। एक लड़का होता है, वो नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता है, वो आधा इंसान और आधा जानवर होता है। वो बेर की तरह, मतलब हिरन की तरह, उसके थोड़ी थोड़ी मतलब उसका लुक होता है, उसके सिंग होते हैं, उसके कान बड़े होते हैं, उसकी सूंघने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है वो काफी अच्छी होती है। वो दूर दूर तक की चीजों को वो आसानी से सूंघ लेता है। ये लड़का जब पैदा होता है तभी उसके पापा उसे वहां से लेकर एक जंगल में रख देते हैं, क्योंकि वो सबसे अलग दिख रहा होता है। और ये अलग क्यों हो जाता है इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि वहां पे कुछ वायरस का इफेक्ट हो जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे अभी जैसे कोविड का इफेक्ट लग रहा है, दिख रहा है, उसी टाइप में वहाँ पे एक वायरस होता है जिसकी वजह से जो बच्चे है वो हाइब्रिड पैदा होने लगते हैं। उसके ऐसे होने के कारण उसके पापा उसे अलग से जंगल में एक हट में रखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हाइब्रिड जैसे दिखने वाले बच्चों को वो मार डालते हैं, इसीलिए वो सबसे उनको छुपा के उसको एक अलग जगह पे रखा होता है जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं है। कुछ दिन बाद उस बच्चे के पापा भी वायरस के चपेट में आ जाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। तब कुछ दिन बाद वो बेटा अकेला ही सरवाइव करना सीख जाता है, लेकिन उसके बाद वो उस जगह से निकलकर अपने माँ को ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले से ही वो बहुत क्यूरियस होता है कि उसकी माँ कौन है, वो कैसी दिखती है। वो हमेशा उसके पापा को पूछता रहता है, कभी कभी तो उसे लगता है कि हिरन ही उसकी माँ है। लेकिन एक दिन उसके पापा उसे बता देते कि उसकी माँ भी उसके जैसे ही दिखती है, तो वो अपनी माँ की खोज में वो निकल पड़ता है। इसी खोज में उसको किस किस चीजों का सामना पड़ता है, वहां पर आपको बहुत सारे एडवेंचर्स और थ्रिल देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टोरी काफी अच्छी है गाइस, और इफेक्ट्स मैंने आपको बोला है ऑलरेडी, काफी अच्छे दिखाए हैं इसमें, तो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। इस सीरीज के एक्टर्स के एक्टिंग की बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा जो छोटे बच्चे गेस का जो किरदार निभाया क्रिस्टीन ने, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि उसने जो एक्टिंग की है, चाहे वो थ्रिल हो, डर हो, खुशी हो, जो भी हो, बंदे के चेहरे पे अच्छा खासा वो नजारा आपको देखने को मिलता है। और एक खास बात है इस सीरीज में आपको दो इंडियन एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड है और ये सीरीज आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर। तो आई होप गाइस मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।